कटिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि सरियाम कटिहार में मेयर को गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए, बिहार के बारे में तो कुछ ना कहा जाए तो बेहतर है। ये सीधे सीधे राष्ट्रपति महोदय के हस्तक्षेप का मामला है। रिपोर्ट मंगवाए, प्रतिदिन इस तरह की घटना हो रही है। एक पैटर्न सा हो गया है जहाँ जान की कीमत कुछ भी नहीं है, कहीं चलते फिरते किसी की भी हत्या हो जाती है। और सरकार दो कमरों में बंद है। कानून व्यवस्था का मसला हो या नीति आयोग की अभी एडमिशन देख लीजिए, बिहार सबसे निचले पायदान पे। तो कौन सी सरकार, कैसी सरकार? ऐसी सरकार जनता को गवारा नहीं है। उस जनादेश में आपने हेरफेर की, लेकिन अब जनता जागेगी। सर, मेरा सीधा सवाल इसलिए है क्योंकि आपको याद है कि नीतीश कुमार जब दूसरी बार 2010 में मुख्यमंत्री बने थे तो इस नाम पर मुख्यमंत्री और लोगों ने वोट दिया था कि वो कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किए। वो क्या दिक्कत है कानून व्यवस्था ठीक? अभी तो अपनी ही व्यवस्था ठीक करना उनकी प्राथमिकता हो गई है कि किस प्रकार कुर्सी महफूज रहे, सुरक्षित रहे। जब किसी भी मुख्यमंत्री के लिए चिंता ये हो कि 40 सीट पे सिमटने के बाद वो मुख्यमंत्री कैसे बना रहे, तो जाहिर तौर पर आम आवाम के साथ क्या नाइंसाफी होती है, क्या बद इंतजामी होती है, उसका ताजा उदाहरण कटिहार से आया। मेरा आखिरी सवाल है कि क्या वजह है कि कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही है बावजूद इसके कि सरकार दावा? मैं सीधी सी बात कहता हूँ, इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। इस सरकार को जनता का मैंडेट नहीं है, अधिकारी भी ये बात समझ रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।